Assalamualaikum my beautiful YouTube family, I hope आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे जो है वो आज मैंने जाना है चिचावती, कुछ इम्पोर्टेंट काम है अली को, तो मैं भी साथ जा रही हूँ। बाबा हैं और हसन अली हमारे साथ जाएगा। अच्छा ये ड्रेस मैंने निकाला पहनने के लिए, बड़ी खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग है। मैं जल्दी जो है ना ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसके डिज़ाइन डिटेल्स है आपके साथ शेयर करूँगी। तो फटाफट मुझे जो है वो अली ने कहा कि आप रेडी हो जाएं, तो मैंने चेंज कर लिया है और आई एम गुड टू गो। आपने ये बात नोटिस की होगी कि जब से मैंने दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं ज़रूर हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी बात शेयर करूँगी जो कि आपके लिए भी इंफॉर्मेशनल हो, आपको भी मोटिवेशन हो, ताकि हम सब जो है वो मिलके ग्रो कर सकें और लाइफ में कुछ ऐसा करें कि जिससे जो है ना हम अपना एक्सपेंसेस उठा सकें और अपनी जो है ड्रीम्स और गोल्स जो हैं वो पूरे कर सकें। सो अच्छा आज जो बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, आई होप आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि आजकल की जो पाकिस्तानी ख़वातीन है ना वो व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मतलब लाइक आप अपने आप को ही देख लें, अपने इर्द गिर्द अपनी बहनों से पूछें कि वो क्या देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हैं। और अगर हम अपने लाइक टॉप यूट्यूबर्स को चेक करें, जैसे कि नताशा, निशु खान, मरियम परवेज़ और हमारे पास नोश रूटीन जो किचन रूटीन चैनल है, नादिया का किचन और बहुत सारी ऐसी बहुत सारी यूट्यूबर्स, अगर हम इनका कंटेंट चेक करें तो हम मतलब नोटिस करेंगे कि व्लॉग्स जो हैं वो फैमिली व्लॉग्स ये लोग शेयर करते हैं, तो वो बहुत इनके जो है ना वो चल रहे हैं और इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, हम ये नहीं कह सकते कि जी बस इन्होंने वीडियोस डाली और इनकी किस्मत अच्छी थी और ये जो है ना वो ऊपर आ गई। इंसान अपनी किस्मत जो है ना वो ख़ुद बनाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट, कि आप कोई स्टेप लें और कोशिश करना स्टार्ट करें कि आपने करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी लग्जरी लाइफ जो है वो अफोर्ड कर सकें। और आप पता हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सके और ब्रांडेड शूज़ ले, ब्रांडेड बैग्स ले, ब्रांडेड कपड़े जो है वो पहने, और मतलब हमारे बच्चों के पास भी हर चीज़ हो। तो एवरी वुमन वांट्स दिस। और हमारे तो लाइक मिडिल क्लास औरतों का ये है कि हमारे पास अपना पैसा हो और हमारे हाथ में कुछ हो, हम इंडिपेंडेंट हो सकें। अच्छा कुछ लोग होते हैं इस बात का इजहार कर देती हैं, कुछ नहीं करती हूँ, कहती नहीं हमें इस बात की कोई परवाह नहीं, हम खुश हैं। लेकिन हर किसी को चाहिए ना कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करें और ऊपर आने की कोशिश करें, और किस्मत का जो है ना कहना कि अभी किस्मत में यही है और ये तो मैं कर ही नहीं सकती, तो ये सब छोड़ दें, किस्मत का रोना जो है ना वो छोड़ दें और काम करना स्टार्ट करें। तो अगर हम इन टॉप यूट्यूबर्स की बात करें तो ये भी दिनों में ऊपर नहीं आई हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है इस मकाम तक आने के लिए और बहुत एफर्ट की होगी डेफिनेटली। तो बेसिकली ये बात शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग भी अगर कुछ और नहीं ना कर सकते, आप कहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हमें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो आपके पास इंटरनेट तो है ना, घर में मोबाइल है, हर किसी के पास आजकल इंटरनेट और मोबाइल की फैसिलिटी है, तो बस मोबाइल उठाएं, जो आपका दिल करता है वो आप बनाना स्टार्ट कर दें। और कुछ नहीं ना, मेकअप नहीं आता, मुझे नहीं पता जी कुकिंग बहुत अच्छी कैसे करते हैं, या फिर मुझे नहीं पता, लेट्स सपोज़ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ़ यू, कि मुझे ये नहीं करना आता या वो नहीं करना, तो आप व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दें, अपनी रूटीन शेयर करें, अपनी कैसे आप अपनी डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू अपना घर चला रही हैं वो सब स्टार्ट कर दें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें विल पावर। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, अगर आप चाहते हैं कुछ करना, तो ही कुछ होगा, वरना उसके बगैर जो है ना कुछ नहीं होने वाला। तो उसके बाद पैशन होना चाहिए आपको, और थर्ड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। अच्छा ये सब चीज़ें जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है, हार्डवर्क तो होगा ही डेफिनेटली जब हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो शुरू में आपने जो है ना बस स्टार्ट करना है, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हर कोई इंसान सीखता रहता है डिफरेंट चीज़ों से, इर्द गिर्द के माहौल से। तो आप डिफरेंट यूट्यूबर्स की वीडियोस देखें, टॉप यूट्यूबर्स की, वो यूट्यूब चैनल्स जो कि अभी ग्रो करना स्टार्ट हुए हैं, क्या चीज़ चल रही है उनकी, जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो आप भी जो है ये सब कर सकते हैं। और फिर जब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख जाएंगे कि कंटेंट क्रिएट करना कैसे है, तो फिर क्वालिटी पे काम करना है,
क्वालिटी इम्प्रूव करनी है अपने कंटेंट की, क्योंकि अगर आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं है ना तो आपका सब्सक्राइबर दोबारा आपके चैनल पे नहीं आएगा, वो आपको हो सकता है प्रॉबेबली इन फ्यूचर अनसब्सक्राइब भी कर दे। तो जो है ना, कंसिस्टेंसी के साथ साथ क्वालिटी कंटेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट जस्ट स्टार्ट। होंगे कि बस अपना बोली जा रही है। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, इस साइड से धूप आ रही थी, तो मैंने जो है ना यहाँ पे ब्लैक पेपर लगा लिया। हसन अली पूरे रास्ते सोता ही रहा, मतलब घर से निकले हैं अभी, हमने पेट्रोल फिल कराने तक जहाँ पहुँचे हैं तो उससे पहले ही वो सो गया था, और इतना एक्साइटेड था ये घर से कि मैंने साथ जाना है। और बाकी इसके सारे बहन भाई जो है ना वो रो रहे थे कि हमें नहीं लेकर जा रहे और इसको साथ लेकर जा रहे हैं। तो जी ये स्टोरी थी। तो ये देखें रास्ते में कितने प्यारे प्यारे ग्रीनरी जो है वो नज़र आ रही थी। तो बातें करनी है बहुत सारी, तो मैं कुछ रास्ते रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आँखों को भी अच्छे लगेंगे मनाजिर, और आई होप आपको मेरी बातें भी आपके कानों को अच्छी लग रही होंगी। ये जो फॉरेस्ट है ना चीचावदनी के रास्ते में जो आता है जब भी हम मतलब यहाँ जाते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं जो है ना शीशे फुल डाउन कर लेती हूँ ताकि ये ठंडी ठंडी आवाज़ आए और मैं फ्रेश एयर में जो है ना वो खुल कर सांस ले सकूँ। सो चलें यहाँ पे जी हम गांव पहुँच गए थे, आपको भैंसे देखकर और यहाँ से देख के अंदाज़ा हो गया होगा। तो गांव पहुँच के मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी, 2-3 घंटे जो है हम यहाँ पे रुके थे, और फिर जब बाबा और अली का काम ख़त्म हो गया तकरीबन हम 6:30 बजे यहाँ से शाम को निकल पड़े थे। अब हम वापस जा रहे हैं, वापसी के लिए निकल पड़े हैं। सो आई होप मेरी बातों से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी और आपने कुछ ना कुछ सोच लिया होगा कि आप जो है वो आप लोग भी कुछ करेंगे। तो प्लीज़ जो है ना बड़े यूट्यूबर्स से जलस होने की बजाय कि वो इतनी बड़ी यूट्यूबर कैसे बन सकती हैं, वो ये सब कुछ कैसे मतलब उनको मिल गया, उनकी तो किस्मत अच्छी थी। हाँ ठीक है, मानते हैं कि लक भी बहुत होती है, लेकिन और ज़रूरी नहीं कि हर कोई लक से ही ऊपर आया। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखें, उनकी जर्नी देखें, तो आपको अंदाज़ा हो कि कितनी मतलब एफर्ट के साथ वो लोग इस मकाम तक पहुँचे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर इसके नतीजे मिलेंगे। ये नहीं सोचना अच्छा जो 20 व्लॉग्स डाल लिए, 50 व्लॉग्स डाल लिए तो बस अब मेरी तो बस हो गई, कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं मिल रहा तो आप जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। आई नो कि ऐसे बहुत डीमोटिवेशन होती है, क्योंकि मुझे भी हुई है, मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। तो लेकिन मैंने अब दोबारा से जो है वो काम स्टार्ट किया है, तो आप लोग भी स्टार्ट करें। और अपना आप लोगों ने क्या सीखा आज इस वीडियो से तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस जर्नी में इकट्ठे चलते हैं ताकि आप भी सक्सेसफुल हो सकें और मैं भी सक्सेसफुल हो सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।